सिंगरौली जिले के चुटरंगी गढ़वा थाना के नौही डिबा चौकी पुलिस की रेत माफियाओं के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा चलाए जा रहे रेत माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई अभियान के तहत नौहिडवा चौकी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक सिंगरौली बीरेन सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के दिशा निर्देश व एसडीओपी राजीव पाठक की सतत निगरानी तथा थाना प्रभारी गढ़वा निरीक्षक अनिल उपाध्याय के मार्गदर्शन में सोनघड़ियाल अभ्यारण्य के प्रतिबंधित क्षेत्र में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक पुष्पेन धुर्वे को मुखबिर द्वारा अवैध रेत कारोबारी के द्वारा अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। मुखबिर की सूचना पर नौडीवा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक पुष्पेन धुर्वे के नेतृत्व में टीम गठित कर रवाना होकर अवैध रेत परिवहन करते सिल्वर कलर का आयशर ट्रैक्टर वाहन मंडल 333 को ट्रॉली समेत प्रतिबंधित क्षेत्र से घेराबंदी कर धर दबोचा।